हेलो गाइस गाइस, आपने भारत का नक्शा तो देखा होगा और साथ में ये भी देखा होगा गाइस कि भारत के नक्शे में हमेशा ही श्रीलंका को शो किया जाता है। तो गाइस के पीछे क्या रीज़न है? क्या भारत श्रीलंका में कभी भारत का अधिकार हुआ करता था या श्रीलंका में भारतीय संविधान लागू है? तो गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना तो भारतीय संविधान लागू है श्रीलंका में, ना तो श्रीलंका में कभी भारत का अधिकार हुआ करता था गाइज। इसके पीछे गाइज रीज़न है समुद्र का नियम। अब समुद्र का क्या नियम है उसको जानना आपको ज़रूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि भारत हमेशा श्रीलंका को अपनी सीमा के साथ साथ क्यों प्रदर्शित करता है गाइस। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं गाइस। तो देखिए गाइस क्या होता है, समुद्र का नियम क्या कहता है कि जो आपकी जो आधार रेखा है, आधार रेखा मतलब किसे बोलेंगे, जैसे देखिए टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो होती है उसको मिला के एक सीधी रेखा खींची जाती है, उसको बोला जाता है आधार रेखा। तो ये गाइस समुद्र का जो तट है ये टेढ़े मेढ़े रहते हैं तट, ठीक है। तो क्या होता है, इसको एक स्ट्रेट लाइन खींची जाती है और उससे क्या होता है 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल तक जो होता है जो उस देश का अधिकार होता है तट से, ठीक है। फिर से देखिए गाइस, ये आपका ये जो तट है यहां से 200 नॉटिकल माइल तक भारत का अधिकार है, चाहे यहां पे कोई भी देश हो, ठीक है। तो गाइस देखिए 200 नॉटिकल माइल तक भारत का अधिकार रहेगा। अब ये जो आपका ये जो दिख रहा है श्रीलंका, ये जो श्रीलंका आपको देखने के लिए दिख रहा है डायग्राम में, ठीक है, इमेज में आपको श्रीलंका दिख रहा है, तो ये क्या है, ये 360 किलोमीटर के अंदर में पूरा श्रीलंका आ जाता है, क्योंकि समुद्री तट जो है भारत का समुद्री तट और श्रीलंका के समुद्री तट के बीच में महज 32 नॉटिकल माइल का ही अंतर है, मतलब 32 नॉटिकल माइल की दूरी है भारतीय तट से श्रीलंका के तट की। तो गाइज ये तीन और 1 नॉटिकल माइल मतलब 1.85 किलोमीटर होता है। तो गाइस आपने यहाँ पे एक चीज़ समझ गए हैं कि जो भारत का जो समुद्र में अधिकार है, भारत का समुद्री क्षेत्र में जो अधिकार है वो केवल 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल मतलब किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 370 किलोमीटर, 370 किलोमीटर तक भारत का अधिकार होगा आपका समुद्री क्षेत्र के, समुद्री क्षेत्र में, ठीक है। तो समुद्री क्षेत्र में जब 300 किलोमीटर तक का अधिकार होगा तो 300 किलोमीटर में ही पूरा श्रीलंका आपके भारतीय क्षेत्र में आ जाता है, पूरा भारतीय सीमा में आ जाता है 300 किलोमीटर, ठीक है। तो यही कारण है गाइस कि भारत हमेशा ही अपने अधिकार को दिखाने के लिए श्रीलंका को हमेशा अपने देश के साथ जोड़ के रखा रहता है हमेशा ही। आप जब भी देखेंगे, चाहे गूगल से इमेज डाउनलोड करें या मार्केट में आप भारत का नक्शा खरीदें, आपको श्रीलंका हमेशा ही भारत के साथ दिखाई देगा। रीज़न यही है समुद्र का नियम। अब गाइस समुद्र का नियम कब बना? तो जो गाइस समुद्र का जो नियम है उसकी जो शुरुआत हुई 1957 से हुई, लेकिन 1982 में ये पूरी तरह से जो समुद्र का नियम है लॉ ऑफ सी ये पूरा अस्तित्व में आया, ठीक है गाइस। अब देखिए, अब बात ये उठती है कि देखिए भारत की जो समुद्री सीमा है वो 360 किलोमीटर तक है, ठीक है, तो इसमें पूरा श्रीलंका आ जाता है, लेकिन क्या श्रीलंका भारत का हिस्सा माना जाएगा? ऐसा नहीं है, भारत का हिस्सा श्रीलंका कभी भी माना नहीं जा सकता, ना तो श्रीलंका भारत का हिस्सा माना जाएगा। ऐसे केस में क्या हुआ कि लॉ ऑफ सी के अंतर्गत आर्टिकल 76 में एक प्रावधान है, लॉ ऑफ सी के अंतर्गत आर्टिकल 76 में एक प्रावधान है, जब भी ऐसे देश होंगे जैसे एक देश ये है और एक देश ये है, तो क्या होगा, आर्टिकल 76 के अंदर इन दोनों के बीच में जितना भी वाटर बॉडी रहेगा उसका आधा हिस्सा इस देश के पास रहेगा और आधा हिस्सा इस देश के पास। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी फॉलो होता है, यहाँ से मिड पॉइंट हम लोग यहाँ से मिड पॉइंट निकालते हैं, है ना, जितनी भी वाटर बॉडी है आधा हिस्सा भारत का रहेगा और आधा हिस्सा श्रीलंका का रहेगा, ठीक है गाइज। यहाँ पे यही कारण है, यही एक ऑथेंटिक आंसर है गाइज कि भारत हमेशा ही श्रीलंका को अपना अधिकार क्षेत्र प्रदर्शित करने के लिए श्रीलंका को अपने नक्शे में शामिल किया हुआ है, ठीक है गाइज। और कोई रीज़न नहीं है, ये कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है, इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाता है कि भारत के नक्शे के साथ हमेशा ही श्रीलंका को क्यों दिखाया जाता है। तो गाइज आप समझ गए, समुद्र के नियम के तहत ये दिखाया जाता है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, समुद्र का नियम क्या कहता है कि भारत के तट से 360 किलोमीटर तक मतलब 200 नॉटिकल माइल तक भारत का अधिकार रहेगा, 360 किलोमीटर तक। अब ये 360 किलोमीटर के अंतर्गत ये पूरा श्रीलंका आ जाता है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या किया जाएगा कि भारत और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींची जाएगी, एक रेखा खींची जाएगी, आधा आधा हिस्सा भारत का रहेगा आधा हिस्सा श्रीलंका का रहेगा गाइस। तो यही रीजन है गाइस कि
भारत हमेशा ही अपने अधिकार क्षेत्र को दिखाने के लिए श्रीलंका को अपने मैप में शामिल किया हुआ रहता है। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा गाइज, तो गाइज वीडियो पसंद आई होगी गाइज, तो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और गाइज ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आएंगी उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।